आज का हमारा टॉपिक है कि किसी भी कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस के लिए एक कस्टमर इम्पोर्टेंट क्यों होता है। दोस्तों ये चीज़ तो आपको पता ही होगी कि एक कंपनी जब बनाई जाती है, कंपनी तैयार की जाती है, तो उसमें कितना सारा पैसा खर्च होता है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें करना पड़ता है एक कंपनी को बनाने के लिए। तो कंपनी बन गई, उसके बाद भी फिर प्रोडक्ट और सर्विस भी तैयार किए जाते हैं, वो भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी फिर इनकम सोर्स क्या होता है, इनकम जनरेट क्यों नहीं होती, बिजनेस की ग्रोथ क्यों नहीं होती, तो वहां पर किसकी जरूरत होती है, वहां पर जरूरत होती है कस्टमर की। कि कंपनी ने प्रोडक्ट तो बना दिया लेकिन उसे खरीदेगा कौन, जब तक उसे कस्टमर खरीदेगा नहीं तो पैसा वहां पर कहां से आएगा। तो यहां पर कस्टमर कंपनी के बनाए प्रोडक्ट और सर्विस को परचेज करता है, बदले में वो कंपनी को पैसा देता है और वही पैसा कंपनी के लिए इनकम सोर्स बनता है, वहीं से कंपनी की इनकम जनरेट होती है, सेल्स जनरेट होती है और कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है। और वो भी एक कस्टमर ही होता है जो कंपनी को उसके प्रोडक्ट और सर्विस को परचेस करने के बाद या फिर परचेस करने वाला है तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक देता है उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट को जैसे उसने यूज़ किया उसे कुछ कमियाँ लगी, तो वो कंपनी को बताता है कि आपकी जो प्रोडक्ट हैं, आपकी जो सर्विस हैं, उसमें ये कमियाँ हैं, तो आप इन्हें दूर कीजिए। तो कंपनी वहाँ पर कस्टमर की सुनती है, समझती है और उसकी जो प्रोडक्ट या सर्विस रिलेटेड जो भी कमियां हैं उनको वो दूर करके उस प्रोडक्ट को दोबारा मार्केट में लेके आती है ताकि लोगों की डिमांड उसके लिए बढ़ सके और कंपनी को फायदा हो सके। एग्जांपल के बेस पे अगर हम बात करें तो मान लीजिए जैसे एक नया फोन लॉन्च हुआ है मार्केट में, तो वहां पर एक कस्टमर है जो या तो उसने परचेस कर लिया है या फिर वो परचेस करने वाला है, ऑनलाइन वो चेक कर रहा है, तो उसके फीचर्स उसने देखे वहां पर कि क्या क्या फीचर्स हैं, उसे पता लगा कि यार इसकी कैमरा क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, रैम इसकी अच्छी है लेकिन बैटरी इसकी अच्छी नहीं है, तो कुछ कमियां लगी उसे, तो वहां पर उसने ऑनलाइन रिव्यूज मेंशन किया, कमेंट्स किया कि आपकी कंपनी का जो मोबाइल है उसमें ये कमियां हैं। तो जब कंपनी को ये चीज पता लगी कस्टमर के थ्रू, तो उसने इस चीज को इम्प्रूव किया और इम्प्रूव करके वो मार्केट में दोबारा उस प्रोडक्ट को लेके आए और उसका रिजल्ट ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने उसको पसंद किया और परचेस किया। तो यहाँ पर कस्टमर की वजह से कंपनी को फायदा हुआ। इसके अलावा वो भी एक कस्टमर ही होता है जो कंपनी की इमेज है, कंपनी की जो ब्रांड वैल्यू, उसके बारे में लोगों से अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता है, कंपनी के बारे में उसका जो भी एक्सपीरियंस होता है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करता है ताकि लोग उसकी बातों को सुने और वो कंपनी से कनेक्ट हों, कंपनी से जुड़ें, कंपनी की प्रोडक्ट सर्विस को वो यूज करें और कंपनी को उससे फायदा हो। लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि कोई कस्टमर है वो कंपनी का जो बैड एक्सपीरियंस है उसकी कमियां उसको बताता है और उसकी इमेज के बारे में बोलता है कि नहीं ये कंपनी अच्छी नहीं है, उसकी बुराई करता है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट ये होगा कि हाँ वो भी एक कस्टमर ही है जिसने जो कस्टमर जुड़ने वाले थे कंपनी से उन कस्टमर को जुड़ने से रोक लिया, क्योंकि वो तो जुड़ना चाह रहे थे कि ये कंपनी अच्छी है लेकिन जैसे उसने बताया कि नहीं ये कंपनी अच्छी नहीं है, इसकी ब्रांड वैल्यू अच्छी नहीं है, इसके जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हैं, तो फिर वो कस्टमर जो जुड़ने वाले थे वो नहीं जुड़ते। तो एक कस्टमर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके साथ ही मार्केट की जितनी नॉलेज एक कस्टमर को होती है उतनी किसी कंपनी या बिजनेस को नहीं हो सकती, क्योंकि एक कस्टमर लोगों के साथ उठता बैठता है, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो भी उनकी बातें हैं वो सुनता है, क्या डिमांड चल रही है, क्या फैशन है, क्या ट्रेंड है, ये सब चीजें उस कस्टमर को मालूम होती है। जब वो उस कंपनी को एडवाइस करता है अपनी बात, वो बोलता है कि मार्केट में ये डिमांड है तो इस डिमांड के अकॉर्डिंग आप अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कीजिए, आप ये चीजें आप मार्केट में लेके आइए तो आपकी कंपनी को फायदा होगा। तो वहां पर क्या हुआ, उस कस्टमर ने उन्हें बताया और कंपनी ने उस कस्टमर की बात सुनकर इम्प्रूवमेंट किया और रिजल्ट ये हुआ कि ज़्यादा उनके प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रही और प्रोडक्ट को लोगों ने खरीदा, पसंद किया और कंपनी को इससे फायदा हुआ। इसके अलावा वो भी एक कस्टमर ही होता है जो कंपनी को उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी के बारे में बताता है। कंपनी बोलती है कि आप मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़िए। जब वो लोगों को जोड़ने जाता है तो लोग उससे बोलते हैं कि यार आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, इस कंपनी का प्राइस ज़्यादा है और इसके जो प्रोडक्ट हैं वो उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादा लंबे टाइम तक चल नहीं पाते और एडिशनल एक्स्ट्रा सर्विस ये नहीं दे रहा है, कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इसकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है तो वहाँ पर ये सब चीज़ें अच्छी है, तो क्यों ना आप भी इस कंपनी को स्किप करके आप दूसरी कंपनी से जुड़िए। तो वहाँ पर क्या होता है कि वो कस्टमर भी कहीं ना कहीं दिमाग में उसके आता है कि हाँ ये सही बोल रहे हैं, मुझे भी ज़्यादा फायदा चाहिए, तो इस कंपनी को छोड़ के मैं भी दूसरी कंपनी में जुड़ जाऊं और वहां से मैं अपने प्रोडक्ट
वहाँ से मैं उसके प्रोडक्ट और सर्विस को खरीदूँ और उन्हीं को मैं यूज़ करूँ। तो फिर वो जब कंपनी से कॉन्टेक्ट करता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स वो बताता है कि मैंने मार्केट में जब बात की तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था आपकी कंपनी को लेके, तो आपकी जो कॉम्पिटिटर कंपनी है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रही है आपके मुकाबले, तो लोग वहाँ ज़्यादा जाना पसंद कर रहे हैं। तो फिर वो कंपनी जब ये सुनती है तो वो इस चीज़ को सुनकर और अपनी जो भी कमियां हैं उसको दूर करती है, वो कॉम्पिटिटर कंपनी से कंपेयर करती है कि क्या क्या उसमें कमियां हैं, कॉम्पिटिटर कंपनी में क्या अच्छाइयां हैं, वो सब चीज़ें कंपेयर करके वो कमियों को दूर करती है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो कस्टमर कंपनी से जुड़ना नहीं चाह रहे थे, अब वो कस्टमर भी उस कंपनी से जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो कंपनी भी अब वही सर्विस प्रोडक्ट दे रही है जो कॉम्पिटिटर कंपनी दे रही है। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझाएं तो जैसे अमेजोन है और फ्लिपकार्ट है, दो कंपनियां हैं। अब अमेजोन पे अच्छी प्राइस पे अच्छी क्वालिटी का कोई सामान कस्टमर को मिल रहा है और वहीं फ्लिपकार्ट पे सेम क्वालिटी का सामान ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ज़्यादा महंगा है, तो कस्टमर किसे प्रेफर करता है? कस्टमर प्रेफर करता है कि वो अमेजोन से ही खरीदे। तो फिर वो ऑनलाइन रिव्यूज मेंशन करता है, कमेंट्स करता है कि फ्लिपकार्ट की सर्विस अच्छी नहीं है, कि वहाँ पर सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है लेकिन प्राइस ज़्यादा है। तो फिर क्या होता है, जैसे ही कंपनी को पता लगता है, वो सोचता है कि ऐसे तो मेरे सारे कस्टमर एक एक करके चले जाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ चेंजेज करता है, कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेके आता है ताकि कस्टमर की डिमांड उसके प्रोडक्ट के लिए बढ़े और लोग उसके प्रोडक्ट को भी परचेज करें। तो दोस्तों ये कुछ रीज़न थे जिनकी वजह से किसी भी बिजनेस या किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए एक कस्टमर का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।